तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्री ऑफर लेटर और मेन ऑफर लेटर। एक्चुअली में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कई बार आप कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाते हो तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि नहीं, आपको पहले प्री ऑफर लेटर मिलेगा फिर मेन ऑफर लेटर मिलेगा। तो एक्चुअली में उसमें डिफरेंस होता क्या, उसी पर बात करेंगे। प्री ऑफर लेटर आपका वो होता है जब आप कहीं पर एज अ इंटर्नशिप ज्वाइन करते हो या फिर आप कहीं पे एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो, कि मतलब अभी आपकी ट्रेनिंग चलेगी 6 मंथ 1 ईयर या इंटर्नशिप पे आप ज्वाइन करते हो। तो बेसिकली जो मतलब होता है प्री ऑफर लेटर का ना, एक अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको वो वहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि अगर आप उनको अच्छे लगे, आप उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो फिर हम आपको मेन ऑफर लेटर देके आगे आपको बढ़ा देंगे। तो मेन ऑफर लेटर होता ना वो आपको तब मिलेगा जब आप उनके अकॉर्डिंग काम करोगे और उनको अच्छा लगेगा, तो आपको वो मेन ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन और इंटर्नशिप का यहाँ पे ये होता है ना कि कई बार आप एमएनसी कंपनी में इंटर्नशिप करने जाते हो तो इंटर्नशिप में ही आपको जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको कंपनी ऑफर लेटर दे देती है वहाँ पे जब लगता है कि नहीं कैंडिडेट अच्छा है वहाँ पे। आप प्री ऑफर लेटर से ये श्योर नहीं कर सकते कि आपको वो ऑफर लेटर मिल ही जाएगा या मिल गया है। बेसिकली ये आपको ज़्यादातर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, क्योंकि पहले वो देखते हैं, बंदे को परखते हैं और इसके बाद ही वो आगे प्रोसेस करते हैं। हाँ, लेकिन आपके जॉब के चांसेस होते हैं, अगर आपको कहीं मिल रहा है प्री ऑफर लेटर और वो बोल रहे हैं मेन ऑफर लेटर बाद में देंगे, तो फिर आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो उसमें। जब आपके पास कोई जॉब नहीं होती है और एक जॉब मिलना, तो वो एक बेहतरीन काम होता है, आप उसको एक्सेप्ट करके आप आगे जा सकते हो। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।